संसद पर मंदिर में पुजारी को गाली देने का आरोप। आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर मंदिर के पुजारी को गाली देने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जागेश्वर महादेव मंदिर में समिति की ओर से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर में पूजा का एक समय शाम के 6 बजे तक निश्चित किया गया है। आज आंवला के सांसद भाजपा नेता धर्मेंद्र कश्यप जागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए। पूजा करते करते उनको लगभग 6:30 बज गए, जिस पर जागेश्वर महादेव मंदिर समिति के प्रबंधक और पुजारी ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए सांसद को समझाया। सांसद धर्मेंद्र कश्यप इतना सुनते ही बिफर पड़े और संसद में अपना रुतबा दिखाते हुए मंदिर समिति के प्रबंधक को जमकर गालियां दी। मामले की जानकारी होने पर मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचकर सांसद धर्मेंद्र कश्यप को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। सांसद धर्मेंद्र कश्यप भीगी बिल्ली बनकर मंदिर समिति के पदाधिकारियों की सुनते रहे। कुछ सभ्य लोगों ने बीच में पड़कर मामले को शांत कराया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना था, जागेश्वर मंदिर एक धार्मिक स्थल है और यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा, यहाँ सभी भक्त एक बराबर हैं, चाहे कोई सांसद हो या चपरासी। सांसद द्वारा गाली गलौज करने पर हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा भी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की आलोचना की गई। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए कुतुबुद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट।